हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। तो कैसे हैं आप लोग? जो आवाज आपने लाखों बार सुनी है, वही आवाज आज पाकिस्तान में भी एक यूट्यूबर द्वारा गूंज रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर आपको टेक्निकल गुरुजी का ऐसा वर्जन मिलेगा जो उनके आईफोन से भी सस्ता है। और भाई लोग, आप सबके बीच आज सबसे नए आए यूट्यूबर यानी नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम के यूट्यूब का भी कंपैरिजन होगा। तो जहां मुकाबला इतना तगड़ा हो, वहां फैक्ट भाई कैसे पीछे रह सकता है? यस, आज की वीडियो में फैक्ट भाई का भी कंपैरिजन होगा, पर क्या वो भी आपके चाहिए फैक्ट भाई की तरह ही ज्ञान देता है? वेल, आइए जानते हैं। नंबर वन, किसमें कितना है दम? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। क्योंकि पाकिस्तान की ARY डिजिटल नेटवर्क ने मजाक मजाक में आज इतनी सारे चैनल्स तो निकाल लिए, लेकिन सब्सक्राइबर्स के मामले में वो टी सीरीज जैसे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए। और ये मुकाबला होगा भी तो कैसे, क्योंकि जहां ARY के 47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं टी सीरीज के 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इनफैक्ट एक वक्त टी सीरीज से लड़ते प्यूडीपाई ने भी नंबर वन की लड़ाई की रेस छोड़ दी थी, लेकिन जहां ARY अपने चैनल पर पाकिस्तानी सीरियल्स और शोज अपलोड करता है, वहां टी सीरीज अपने के लिए फेमस है। तो चाहे दोनों के कंटेंट अलग हैं, पर दोनों ही अपने देशों में मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स हैं। पर अगर देखा जाए तो 23 साल पहले शुरू हुए ARY के ओनर अब्दुल रजाक याकूब 1944 में गुजरात के सूरत में पैदा हुए थे। तो चाहे ARY को पूरे इंडिया का दर्जा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये भी हमारी ही देन है। नंबर टू, सौरभ जोशी का जुड़वा। क्या आपको भी लोगों के बारे में चुगली करना अच्छा लगता है, पर आपके पड़ोसी दरवाजा बंद रखते हैं? वेल, अब आ चुका है व्लॉगिंग, जिससे जब चाहे जिसकी चाहे गॉसिप बटोर लो। जहां अगर आप पाकिस्तान से हो तो छोटा अली ब्लॉग्स या फिर डकी भाई की जिंदगी को करीब से देख सकते हो, और वहीं अगर आप इंडिया से हो तो सौरभ जोशी ब्लॉग्स या फ्लाइंग बीस्ट के फैमिली के बारे में जान सकते हो। लेकिन जहां छोटा अली और डकी भाई को मिलाकर 17.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहीं सौरभ जोशी के अकेले 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यानी इनका मुकाबला करने फ्लाइंग बीस्ट को भी आने की जरूरत नहीं है, वो चाहे साइकिल चलाते रहें। पर इनका छोटा अली व्लॉग चैनल थोड़ी अलग है, जहां इनके कंटेंट में छोटे अली को अक्सर चोट लगती रहती है। पर अगर डकी भाई की बात करें तो ये सौरभ से काफी मिलते जुलते हैं। मतलब पड़ोस पड़ोस कहीं भी आपको कंटेंट यानी गॉसिप की कमी नहीं मिलेगी। नंबर थ्री, सारा जमाना मजाक का दीवाना। 2023 में नादिर अली के चैनल को देखा तो क्या देगा, असली मजा तो तब आता था जब नादिर P4 पकाओ यानी सिर्फ अपने प्रैंक्स की वजह से फेमस थे। इतना ही नहीं, एक वक्त नादिर के प्रैंक्स इतने फेमस थे कि खुद जॉनी लीवर ने उनकी तारीफ की थी। नादिर, तुम्हारा जवाब नहीं यार, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। लेकिन धीरे धीरे नादिर ने अलग चैनल ओपन कर लिया और वो पॉडकास्ट पर शिफ्ट हो गए। पर उसमें भी वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए, जहां प्रियंका चोपड़ा का मजाक उड़ाने पर उन्हें बायकॉट करने की बातें सामने आई। पर ऐसा हाल तहलका प्रैंक्स यानी सनी आर्या का नहीं हुआ। सनी ने मेहनत करके न सिर्फ अपनी 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर की जनता कमाई, उन्होंने बिग बॉस 17 में अपने कदम भी जमा लिए हैं। और इंडिया में आज हर तरफ प्रैंकस्टर्स की बौछार देखने को मिल रही है, जहां प्रकाश पेशवानी ने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। लेकिन आपका फेवरेट प्रैंक चैनल कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर फोर, यलगार हो। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आप लोग को ये सुनते ही जैसे कैरी मिनाडी की याद आ गई, उसी तरह सलमान नुमान, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। इस आवाज को पाकिस्तानी लोग सुनते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि सलमान को उसके 18 मिलियन सब्सक्राइबर सुनते हैं और कैरी मिनाडी को 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और अगर दोनों के मोस्ट व्यूड वीडियोस की बात करें, तो जहां सलमान के इस वाले वीडियो पर 2.8 मिलियन व्यूज हैं, वहीं अपने कैरी भैया के यलगार पर 385 मिलियन व्यूज हैं। यानी अपने देश के मोस्ट लव यूट्यूबर्स की गिनती में कैरी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जहां इंडिया में हर जगह कैरी ही कैरी है, वही हाल पाकिस्तान में भी है, क्योंकि वहां के लोग सलमान को बस एक आम टिकटॉकर मानते हैं। वो दरअसल रीलर है। देखो, अगर आप रीलर टिकटॉकर है, वो टिकटॉकर मतलब शॉर्ट्स वाला, वो टिकटॉकर था, तो अब उसने यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो फिर देखा जाए तो कैरी मिनाडी ने टिकटॉक वालों का क्या हाल किया था, वो तो आप सब जानते ही होंगे। नंबर फाइव, करण अर्जुन। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हमारे सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर आ रहे हैं। सोचो भाई लोग, एक यूट्यूबर होना कितना सफलता की बात है, कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद भी एक यूट्यूबर होना पसंद किया। आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मोदी जी यूट्यूब पर 2007 से मौजूद हैं, जहां उन्होंने अब तक कुल 22,000 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसे उनके 18 मिलियन सब्सक्राइबर देख चुके हैं। वहीं अगर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखें, तो उनकी भी यूट्यूब चैनल है, जिस पर सिर्फ 45,000 लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबाया है। मगर जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल इंडिया में दिख रहा है, वहीं इंडिया ने एक्स पर इन्हें बैन कर डाला। इतना ही नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान की 16 न्यूज चैनल्स को भी बैन किया है, जो इंडिया के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रही थी। नंबर सिक्स, पाकिस्तान
पाकिस्तानी फैक्ट भाई। जहाँ पाकिस्तान में आपको इंडिया जैसी हर चीज दिख जाएगी तो फैक्ट भाई कैसे पीछे रहेगा? वेल, वहाँ पाकिस्तानी फैक्ट भाई तो नहीं, लेकिन फैक्ट भाई की ही तरह पाकिस्तानी जनता को नॉलेज देने वाली एक चैनल है जैम टीवी। ये टीवी कई तरह के अलग विषयों पर बात करती है और इसी से उन्होंने 4 मिलियन का आंकड़ा पार किया है। इन फैक्ट जैम टीवी पर आपको इंडिया पर बने कई वीडियोस मिल जाएंगे। मगर क्या ऐसी ही किसी फैक्ट वाली इंडियन चैनल को आप जानते हो? वेल, अगर आपकी जुबान पर भी फैक्ट भाई छाया है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, फैक्ट भाई ये जरूर कहना चाहेगा कि हम आप सबके लिए हर तरह के फैक्ट्स लाते रहेंगे, पर सबसे जरूरी है आपके जानने की जिज्ञासा, क्योंकि आज तक आपने फैक्ट भाई पर कार्टून्स, बॉलीवुड, कंट्रीज, धर्म, खबरें जैसे तमाम फैक्ट्स को जाना है। पर अब आप इनमें से सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब फैक्ट भाई वही लाएगा जो आपको पसंद होगा। नंबर 7, चलिए शुरू करते हैं। रोज की हाजिरी, कई सौ फोन्स, 5000 वीडियोस और 23 मिलियन सब्सक्राइबर। टेक्निकल गुरुजी के लिए ये इंट्रोडक्शन ही काफी है, लेकिन ऐसा ही इंट्रोडक्शन पाकिस्तान की वीडियो वाली सरकार चैनल का भी होना चाहिए, जिसने 2016 से अपनी चैनल की शुरुआत की और 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर तक की जर्नी तय की। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें तो दोनों ही हर दिन एक रिव्यू डालने की कोशिश में लगे रहते हैं और वीडियो अपलोड करके दोनों ही अब ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि बिलाल भाई टेस्ला चलाते हैं और गौरव भैया का कार कलेक्शन तो आप जानते ही हो, जिसमें एक रोल्स रॉयस घोस्ट भी शामिल है। और तो और, दोनों के थंबनेल में भी आपको समानता दिख जाएगी। पर अगर कोई चीज अलग है तो वो है दोनों ही देशों के कंटेंट क्रिएटर। जहां इंडिया में आपको टेक चैनल्स की भरमार मिल जाएगी, वही हालात पाकिस्तान में नहीं है। नंबर 8, टोटल पाकिस्तान गेमिंग। कुछ चीजें मजहब और सीमा रेखाओं के परे है, वैसे ही पबजी भी है। जहां पबजी ने इंडिया में चीकू भैया की तरह कमबैक किया, वैसे ही पबजी ने पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी मन लुभाया है। और जैसे इंडिया में इसके एक्सपर्ट अपने अजुवाई है, उसी तरह पाकिस्तान में भी स्टार एनोनिमस और दोनों ने ही अपनी अपनी टीम्स खोल रखी हैं, जिसमें अजुवाई की टीम का नाम है टोटल गेमिंग स्पोर्ट और स्टार एनोनिमस के मोबीन की टीम का नाम है स्टार क्लैन। मगर दोनों के बीच उन्हें देखने वाली जनता का काफी फर्क नजर आता है। जहां अजुवाई की चैनल को 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स देखते हैं और मोबीन के चैनल को 2.5 मिलियन। और अगर व्यूज की बात करें तो इसका खेला में अजुवाई का पड़ा भारी है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, गेमिंग के लिए कोई सीमा नहीं देखी जाती, तो यहाँ दोनों को दाद दी जाएगी। नंबर 9, न्यूज की दुनिया। ये शोर शराबा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, जी हाँ, हमारे यहाँ भी अर्णव रहते हैं। लेकिन फिर भी दोनों ही देशों में आपको हाईएस्ट सब्सक्राइबर न्यूज चैनल मिल जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ आज तक 58 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वैसे ही पाकिस्तान की जियो न्यूज को लोगों ने 14 मिलियन से सराहा है। लेकिन भाई लोग, यूट्यूब के शहर घर बसने से पहले जियो न्यूज आया था, जिन्होंने अपनी चैनल 2007 में खोली थी, मगर 2009 में शुरू होने के बावजूद आज तक ने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, सबसे पहले 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाना। और इसी के साथ आज तक वालों का कहना है कि अब उनकी टीम 100 मिलियन का टारगेट रख रही है। लेकिन इंडिया सिर्फ न्यूज में ही आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है हनुमान चालीसा और पाकिस्तान का आया तारीफ ईद मुबारक। तो भाई लोग, ये थे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिन्होंने इंडिया को कई तरह से कॉपी करने की कोशिश की है। पर क्या इनमें से कोई भी हमारी टक्कर का लगा? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही आपको इंडियन यूट्यूबर का डार्क सीक्रेट जानना है तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।